एले नाइट वर्सेस ब्रॉक लेसनर, नेक्स्ट फाइट हमारे इस एलिमिनेशन राउंड की। जो जीता वो होगा सिकंदर और जो हारा वो आप कमेंट में गैस कर ही लेंगे। तो फाइट हो चुकी है स्टार्ट। जो हारेगा वो बाहर जाएगा और जो जीतेगा उसके जीत के दरवाजे खुल जाएंगे। उसका सामना होगा आगे बतिस्ता से, जो रोमन को हरा करके सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। ये भी क्वार्टर फाइनल है, तो एले नाइट और ब्रॉक लेसनर दोनों ही क्वार्टर लगा लगा कर खेलेंगे। थंबनेल मैंने कुछ ज्यादा ही खतरनाक बना दिया था इस गेम का। अरे एले नाइट से आज उम्मीद है कुछ बढ़िया करेंगे। ब्रॉक लेसनर जो कि पिछले मैचेस में बहुत बढ़िया खेले हैं, अंडरटेकर की बनियान इन्होंने फाड़ दी थी। अंडरटेकर की जो बनियान है ना वो खुद ही फाड़ डालते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई ओपोनेंट फाड़ देते हैं उनकी बनियान, तो उनकी बनियान तो फटनी फटनी होती है। चलो बनियान को छोड़ो, वापस अपने इस मैच पे कंसंट्रेट करते हैं। ब्रॉक लेसनर जो कि अभी तक बहुत बढ़िया और डोमिनेट करके रखा है उन्होंने हर एक मैच को, अपने ओपोनेंट को मौका तक नहीं दिया है मैच में वापसी करने का। और क्या आज दोबारा से अपने उस रिकॉर्ड को कायम रख पाएंगे? और एले नाइट जिन्होंने सरप्राइज किया था पिछली बार, क्या आज फिर से हमें सरप्राइज करेंगे? दोनों में से कौन जीतेगा? लेकिन मैं तब जीतूंगा जब आप मेरे चैनल की इस वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को, और अगर शेयर कर सके तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद अभी दो मैचेस और हैं। एक मैच होगा सेमीफाइनल बतिस्ता के साथ, जो आज जीतेगा वो लड़ेगा बतिस्ता से। और फाइनल तो आप लोगों को पता ही है कोडी रोड्स के साथ होने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आज का ये मैच कौन जीतेगा? एले नाइट जो कि ब्रॉक लेसनर के सामने बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन छोटा बच्चा जान करके हमको ना समझाना रे, छोटा बच्चा समझने की गलती मत कर देना। कई बार छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे कांड कर जाते हैं कि बड़े भी नहीं कर पाते। लेकिन ये सामने जो है ना, ये ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स सिटी के दर्शन होते हुए एलए नाइट को, ये देखो भाई, सुप्लेक्स पर सुप्लेक्स, सुप्लेक्स से सुप्लेक्स, बहुत डैमेज कर दिया एलए नाइट को। और ब्रॉक लेसनर उनकी हेल्थ देखो जरा एक बार। अब एले नाइट को भी भाई इन्होंने अच्छे से धो दिया पकड़ के, बॉडी डैमेज कर दिया। लेकिन ब्रॉक लेसनर जो कि अभी तक इस मैच में शुरुआत कुछ अच्छी हुई थी एले नाइट की तरफ से, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने तगड़ा कमबैक किया। एक और सुप्लेक्स, क्या एले नाइट वापसी कर पाएंगे यहां से? मुश्किल लगता है, लेकिन असंभव को संभव भी कर सकते हैं। एले नाइट बहुत ही काबिल प्लेयर है और आप देखते हैं कि अपनी काबिलियत वो दिखाएंगे या नहीं। रोमन ने तो अपनी काबिलियत छुपा करके रखी है, पता नहीं कौन सा मैच है जब वो दिखाएंगे। एले नाइट थोड़ी वापसी करने की कोशिश करते हुए, अगर इस मैच को जीतना है ना तो इतना आसान नहीं है। ब्रॉक लेसनर के पास रेजिलेंसी भी है और फिनिशर भी आ चुका है, सिग्नेचर आ चुका है एले नाइट के पास। तो क्या वापसी कर सकते हैं एले नाइट? उम्मीद तो है अगर सिग्नेचर पड़ा। देखते हैं क्या करते हैं भाई। अरे सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर चाहिए अगर ये मैच जीतना है। और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ करेंगे एले नाइट। सिग्नेचर लगा दिया एले नाइट ने और अब फिनिशर की बारी है। पिनफॉल नहीं होने वाला। रेजिलेंसी देखते हैं यूज करेंगे कि नहीं। ब्रॉक नहीं की रेजिलेंसी अभी तक तो यूज। अब पढ़ने वाला है फिनिशर। ये अच्छा किया सिग्नेचर के बाद डायरेक्ट फिनिशर और फिर से पिनफॉल। ये समझदारी कर रहे हैं। रेजिलेंसी गई ब्रॉक लेसनर की। अब ब्रॉक लेसनर खतरे में है। कहां से वापसी की है एले नाइट ने? अब बस मैच जीतने तक के लिए एक फिनिशर की जरूरत है, लेकिन खुद फिनिशर खाना भी नहीं है क्योंकि ब्रॉक के पास एक फिनिशर है। जैसे ही वो फिनिशर पड़ा ना, तो जो ग्रीन ग्रीन हेल्थ नजर आ रही है ना एले नाइट की, ये रेड भी नहीं होगी, सीधा खत्म हो जाएगी। अब एले नाइट को कुछ बढ़िया करना होगा, सिग्नेचर फिनिशर ला करके जीतना होगा ये मैच। मौका है। अरे अपने घुटना यार, कुछ निशाना चूक गया, अपने ही घुटने पे चोट मरवा ली उन्होंने।
रिवर्स कर दिया ब्रॉक लेसनर ने और लगा दिया ये कमूरा लोक है कि कौन सा लोक है भाई, कमेंट में लिख देना। कमूरा ये कि तंबूरा है। चलो शुक्र है कि F5 नहीं पड़ा गया, F5 पड़ जाता ना फिनिशर में तो लेने के देने पड़ जाते, लेने के तो नहीं मतलब देने के देने पड़ जाते। फिनिशर आने वाला है एनालाइट के पास, एक फिनिशर और ब्रॉक का खेल खत्म। क्या फिनिशर आने वाला है या फिर बिना फिनिशर के जीतने वाले या फिर जीतने वाले हैं कि हारने वाले हैं। फिनिशर आ गया, आ गया बस फिनिशर, फिनिशर आ चुका है। अब जल्दी से कुछ करना पड़ेगा एले नाइट को, ब्रॉक भी वापसी करते हुए। फिनिशर आने वाला है ब्रॉक लेसनर के पास, किक आउट कर दिया और उनकी भी रेजिलेंसी जाती रही। अब दोनों में से किसी के भी पास रेजिलेंसी नहीं है, जिसको फिनिशर पड़ा उसका फूट गया घड़ा और जो कि मुश्किल लग रहा है एले नाइट के लिए। एले नाइट की जो हेल्थ है वो जाते हुए और ब्रॉक के पास फिनिशर और सिग्नेचर दोनों है, इससे ज्यादा खतरनाक बात और क्या हो सकती है। ऊपर से कोहनी पड़ रही है सर के ऊपर, वो अलग। तो एले नाइट पता नहीं कैसे जीतेंगे या ब्रॉक अब की बार इनको हरा करके सेमीफाइनल में चले जाएंगे और वहां बतिस्ता को कूट करके फिर कोडी रोड्स को कूट करके चैंपियन बन जाएंगे। चलो एले नाइट के पास मौका है और मौका छोड़ना भी नहीं चाहिए। फिनिशर आ चुका है, दोनों लंबे लेट चुके हैं मैदान में, देखते हैं जिसको पहले होश आया। और इसके साथ ही कुछ हो सकता है, मुझे लग रहा कुछ हो सकता है एले नाइट फिनिशर के लिए जाते हुए। और अब देखते हैं कि अगर ये फिनिशर पड़ा तो ब्रॉक का टाटा बाय बाय मुमकिन है, स्टन हो चुके हैं रेफरी। 1, 2, 3 और इस मैच में कमाल हो गया भाई, उलट फेर कर दिया एले नाइट ने, ये मैच जीत करके ब्रॉक को हरा दिया जिसको हराना लगभग नामुमकिन था। उम्मीद नहीं थी, जिनसे उम्मीद थी वो ना उम्मीदी दिखा गए और जिनसे उम्मीद नहीं थी भाई उन्होंने ब्रॉक को हरा करके सेमीफाइनल में जगह बना लिया। पता है भाई मैं रोमन की बात कर रहा हूँ, उम्मीद थी जीतेंगे लेकिन नहीं जीते। चलो फाइनल में देखते हैं कि बतिस्ता और एले नाइट में से कौन पहुंचेगा। एले नाइट और बतिस्ता का अब सेमीफाइनल होने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज़।